हाय दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कल्चर के बारे में। विदाउट कल्चर आप किसी मार्केटिंग लेबोरेटरी में आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर ही आपका बैकबोन होता है किसी मार्केटिंग लेबोरेटरी में। तो कल्चर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये कल्चर जो हमारे गाइडलाइन बोलता है कि नॉट मोर देन 5% आपको यूज नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है भाई, कहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 5%, कौन सा गाइडलाइन है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको देखते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, और समझ करके कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर गाइडलाइन की बात करें हम, कहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर के बारे में सब चीज़ें, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 111-7 में लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 5% आपको कल्चर यूज नहीं करना है। IBM में कहाँ लिखा हुआ है, 229 चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा कल्चर के बारे में। तो नॉट मोर देन 5% क्यों नहीं करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कल्चर का नॉट मोर देन 5% का कंसेप्ट जो स्टडी किया है साइंटिस्ट लोगों ने, उसने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कल्चर को 5% ज़्यादा यूज इस्तेमाल करेंगे तो उसको जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक में चेंज आ जाएंगे, और जो ओरिजिनल जो प्योर जो वायबिलिटी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो कैसे नहीं मेंटेन हो पाती है, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे। तो दो टर्म ने इस्तेमाल किया, फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। फेनोटाइपिक मतलब क्या होता है कि उसके शेप, अगर उसका शेप इस टाइप का था तो शेप में चेंज हो जाएंगे, इस टाइप हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं फेनोटाइपिक। मतलब शेप में, आकार में, साइज में चेंज हो जाएगा, उसका हम माइक्रोस्कोपिक से ऑब्जर्वेशन में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज बोला कि जीन लेवल पे DNA RNA में जो होता है चेंजेस आ जाएंगे, जो उसकी ओरिजिनल वायबिलिटी और प्योरिटी नहीं मेंटेन हो पाएगा, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं हम। तो हम उस बैक्टीरिया को जो कल्चर होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस पर ग्रो नहीं हो पाएगा और उसका प्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसका रीजन यही है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक चेंजेस। आप इसको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ड्यू टू फिनोटाइपिक चेंजेस और म्यूटेशन और जीनोमिक चेंजेस की वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और है कि पसाज का मतलब क्या होता है। पसाज बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि पसाज 1 पसाज, 2 पसाज, 3 पसाज, 5 पसाज, क्या इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो अगर मान लीजिए कि किसी मीडियम पे हमारा बैक्टीरिया पहले से ग्रो कर रहा है, ये 1 पसाज का है, 1 पसाज का है, तो ये एग्जिस्टिंग मीडिया हो गया हमारा कल्चर, इसको ग्रो किया इस मीडिया पे, और इसी को हम लूप के सहायता से दूसरे मीडियम में, या सॉलिड हो या लिक्विड हो, हम ट्रांसफर करते हैं, तो इसको 1 पसाज कंसिडर करते हैं, 1 पसाज। ऐसे ही जितना बार हम ट्रांसफर करेंगे उसको पसाज बढ़ता जाएगा, और उसका 5 पसाज तक ही उसका वायबिलिटी, ओरिजिनलिटी, प्योरिटी मेंटेन रहता है। इसलिए बोला जाता है कि नॉट मोर देन यूज, नॉट मोर देन 5 पसाज कल्चर। तो समझ गए होंगे आई होप इसका बारे में कि पसाज किसको बोलते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम एग्जिस्टिंग मीडिया टू न्यू लॉट ऑफ मीडिया इज कॉल्ड 1 पसाज। दिस इज द मेन कंसेप्ट कल्चर के बारे में। छोटा सा एक एपिसोड था, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे हम बढ़ेंगे, और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ गए होंगे गाइडलाइन के बारे में, इसका रीजन क्या है, पसाज क्या है, आप हमको जरूर बताएं। कितना समझ पाए कमेंट करके जरूर बताएं।